नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में आपका मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वीडियो जो है यह इंडियन रिजर्व बटालियन 17 दिसंबर में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, उसके आंसर के बारे में। इससे पहले मैंने झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न और आपका सामान्य अध्ययन का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को दबाएं, लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे से अच्छे से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम नेटवर्क और आपका हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका देखिए इसमें 91st से शुरू हो रहा है आपका ये साइंस का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड रसायन के राजा के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम में जाना जाता है। आपका सी सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद है आपका, समान प्रतिरोध वाले चार तारों को पहले श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है, फिर समांतर परिणाम में जोड़ा जाता है, तो इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वह होगा आपका A 60/1 दोस्तों। यदि आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं मैथ का जब सॉल्यूशन डालूंगा तब आपको बता दूंगा मैं इसका सॉल्यूशन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन रोग नहीं है, तो ये जो आपका है तीनों ये श्वसन रोग है, लेकिन जो हृदयघात है आपका ये श्वसन रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका डी होगा, आपका डी। इसके बाद है आपका, जल उपचार के दौरान निलंबित औषधियों के अवसादन की दर में वृद्धि करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका मिलाया जाता है फिटकरी, जिसको अल्म बोलते हैं आपको। इसके बाद है, मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एपियोलॉजी, इसका सी आंसर है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन का मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है उसमें पूछा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका NSSO का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है 13 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन है। मैंने गलती से आपको बी बता दिया है तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। उसका राइट आंसर आपका सी है आपका नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन उसका है फुल फॉर्म। इसके बाद है आपका, शब्द टेराटोजेंस का अर्थ उस कारक को दर्शाता है जिसके कारण आपका, इसमें आपके चार ऑप्शंस दिया गया है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका है जन्म दोष होता है, बर्थ डिफेक्ट्स जो होता है इसका कारक को दर्शाता है यह। इसके बाद है 97 में पानी में गंदी कणों को निलंबित रखने के लिए निर्माण के दौरान सिंथेटिक डिटर्जेंट एक घटक एक्स मिलाया जाता है, या आइसक्रीम का एक बुनियादी घटक भी है, तो आपको पूछा है कि वो एक्स घटक जो मिलाया जाता है जो आइसक्रीम का घटक है वो इनमें से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका है BCMC इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद है आपका, रॉयल वाटर या एक्का रेजिनिया सोने प्लेटिनियम के घोलने में सक्षम होते हैं, ये किससे बना होता है। यह जो इसका राइट आंसर है वह आपका है सी। इसमें दोस्तों कि 1:3 में होता है, ये इसमें आपका होता है HCl होता है, इसमें HCl होता है और इसमें नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 98 का सी। इसके बाद आपका है, पौधे सोचते नहीं है क्योंकि उसमें आपका ए तंत्रिका तंत्र का आभाव होता है, इसका राइट आंसर। इसके बाद है आपका, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो इस रक्त की लाल कोशिका में आपका कोई प्रतिजन नहीं होगा, इसका बी आंसर है। इसके बाद है आपका, एक खुली आंख के साथ मनुष्य का क्षैतिज दृष्टिकोण कितना होता है, तो वह होता है आपका 180 डिग्री, सी इसका आंसर है राइट। इसके बाद है आपका, अनियमित खाद आदतों वाले व्यक्ति में आमाशय रस का स्राव होने के कारण खुला घाव होता है, इसे पस बहता है, इस विकास को जैविक रूप में क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए आपका पेप्टिक अल्सर आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद है आपका 103 नंबर का, हमारी आंखें
निम्नलिखित किस अभिग्राहक की उपस्थिति के कारण प्रकाश देखने में सक्षम होती है? तो है आपका ये सी फोटो रेस्पिटर, इसका राइट आंसर। इसके बाद है भौतिकी में CFL का फुल फॉर्म क्या है, इसमें पूछा है, तो CFL का है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद किडनी की निम्नलिखित कौन सी बीमारी का अर्थ किडनी का स्टोन होता है? तो आपका जो होता है वो आपका डी, राइट आंसर है इसका। इसके बाद है आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अच्छे परिणाम के लिए अपशिष्ट जल उपचार के दौरान जल को विसंक्रमित करने के लिए नहीं किया जाता दोस्तों? तो इसका जो इसका ऑप्शन है वह है आपका डी, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, बाकी ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट्स और सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है बिजली के झटके को रोकने के लिए घरेलू धातु के उपकरणों को आमतौर पर अर्थ किया जाता है, कौन सा आपका रंग रोधन अर्ध मतलब किया जाता है अर्थिंग के तार में? तो इसका आंसर है आपका बी, हरा। इसके बाद है आमतौर पर नींबू का रस बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है, तो किस गैस का उत्पादन होता है? वह होता है आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है आपका एक न्यूमेरिकल दिया था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स गीजर को आपका 1000 वाट और 220 वोल्ट में चिन्हित किया गया है, एम्पियर में फ्यूज तार की लगभग न्यूनतम रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए करीब, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 5 एम्पियर। मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन जब बताऊंगा तब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हुआ। इसके बाद है एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठकर ठीक से ब्लैक बोर्ड पर दिखे पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं है, किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यह आपका जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यह आप दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। इसके बाद है दोस्तों जो मैथ का क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, तो मैथ का मैं जल्दी अपलोड करूंगा, रात तक आप इंतज़ार कीजिए, अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।